हेलो फ्रेंड्स, टुडे आई एम हिमांशी फ्रॉम सूरज स्कूल बावल स्टडिंग इन क्लास 10। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट अवर SST टॉपिक इकोनॉमी चैप्टर नंबर 1, दैट इज डेवलपमेंट। हम इसमें पढ़ेंगे कि डेवलपमेंट क्या क्या प्रोमिसेस करती है, डिफरेंट पीपल की क्या डिफरेंट गोल्स होते हैं, इनकम और अदर गोल्स के बारे में, नेशनल डेवलपमेंट, हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज एंड स्टेट्स, और हम एक और चीज़ पढ़ेंगे, दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब डेवलपमेंट क्या प्रॉमिस करती है, थिंक ऑफ दैट आई वॉन्ट टू बिकम एन IAS ऑफिसर एंड अदर पर्सन वॉन्ट्स टू बिकम एन डॉक्टर। माई गोल इज डिफरेंट, माई डेवलपमेंट इज डिफरेंट एंड अदर पर्सन डेवलपमेंट इज डिफरेंट। सो हम इसमें कह सकते हैं डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल्स, जो मेरे लिए डेवलपमेंट है वो दूसरे के लिए नहीं हो सकती। सो वट मे बी डेवलपमेंट फॉर मी मे नॉट बी द डेवलपमेंट फॉर अदर। तो हमने इसमें पढ़ा डिफरेंट पीपल के डिफरेंट गोल्स हो गए, इनकम और अदर गोल्स। नाउ यू थिंक दैट माई सैलरी इज 50,000 पर मंथ एंड आई गॉट अ जॉब ऑफ 50,000, बट वेयर आई गो टू जॉब देर इज़ नो सिक्योरिटी, देर इज़ नो पब्लिक हेल्थ केयर, देर इज़ नो, देर इज़ डिस्क्रिमिनेशन, देर इज़ नो सिमिलरिटी बिटवीन अमंग ऑल द पीपल। सो वट इज़ दिस जॉब? हमें इनकम के अलावा कुछ और गोल्स भी चाहिए होते हैं, तो उसमें हमें ये सारी चीज़ें चाहिए होती है। एंड अदर आई गोट अ जॉब ऑफ 10,000 रुपीज़ पर मंथ वे आई गोट पब्लिक फैसिलिटीज, आई गोट सिमिलरिटीज, देर इज़ नो डिफ्रेंशिएशन बिटवीन अमंग ऑल द पीपल। सो वेयर आई गोट द जॉब? वेयर एवरीथिंग इज फ्री एंड फेयर, लाइक फ्रीडम, फ्रीडम होनी जरूरी है। तो जहाँ भी मुझे ये सारे गोल्स मिलेंगे मैं वहीं पे जॉब करने जाऊँ, ठीक है। अब नेक्स्ट बात क्या आती है, इनकम है, ठीक है। अब इनकम है उसमें क्या होता है कि इन पैसों से सारी चीज़ तो खरीदी नहीं जा सकती, ठीक है ना। अगर आप एक एग्जांपल लो, आपका एक फ्रेंड है, आप उसको पैसों से मेजर नहीं कर सकते क्योंकि वो आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं नेशनल डेवलपमेंट की। नेशनल डेवलपमेंट क्या होती है? डेवलपमेंट रिलेटेड टू आवर नेशन या डेवलपमेंट रिलेटेड टू आवर कंट्री, ठीक है। थिंक ऑफ दैट, मैंने 50% से पूछा दैट व्हाट इज द गुड डेवलपमेंट फॉर आवर कंट्री एंड व्हाट इज द बैड डेवलपमेंट फॉर आवर कंट्री। हाफ पीपल से दैट इट इज़ गुड एंड हाफ से दैट इट इज़ बैड। सो देयर इज डिफ्रेंसिएशन इन एवरी पीपल दैट दे बट they want what development, they want what not development, okay। How to compare different countries and state? हम अलग अलग countries और state को कैसे compare करें, ठीक। अब different countries यानी चाहे एशिया हो, एशिया में कोई भी country हो, पाकिस्तान हो, चाइना हो, अफ्रीका हो, एशिया हो, कुछ भी हो, ठीक है। अब मुझे उनके इनकम के बारे में देखना है, तो सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, मैं आपको एक एग्जांपल दूँ। क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं, इन विच 5 स्टूडेंट्स आर गुड इन स्टडिंग, 5 स्टूडेंट्स आर गुड इन प्लेइंग, 5 इन म्यूजिक, 5 इन डांस, सो एनी अदर, ठीक है। तो हर एक के अलग अलग डिफ्रेंशिएशन हुई। अगर मैं एक ग्रुप को ले लूँ तो उसमें ये नहीं है कि सारे ही, सभी लोगों की सिमिलरिटी एक होगी, उनमें कुछ ना कुछ डिफ्रेंशिएशन भी होगा, ठीक है। तो हम एक इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स लेते हैं कि हम उनके बीच में डिफ्रेंशिएट करें, ताकि हमें पता चल जाए कि क्या उसके अंदर, मतलब क्या डिफरेंट चीज़ है, क्या वो कर सकता है, क्या वो नहीं कर सकता है। ऐसे ही हम कंपेयर, कंट्रीज को कंपेयर करने के लिए इनकम का यूज़ करते हैं। इनकम इज द मेजर फैक्टर दैट वी यूज टू नो हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज, ओके। तो हम इनकम का यूज़ करते हैं कंट्रीज को कंपेयर करने में। अब कंट्रीज जिनकी हाइयर इनकम है उनकी, वो हाइयर डेवलप्ड कंट्री होगी, और जिसकी लेसर इनकम है वो लेस डेवलप्ड कंट्री होगी, ठीक है। अब हम देखते हैं जो इनकम है वो खुद में ही एक बहुत इंपॉर्टेंट करेक्टरी है, गोल है, ठीक है। अब एवरेज इनकम आपको पता है, एवरेज इनकम वी थिंक ऑफ दैट मतलब हमारी कंट्री है, लाइक माय फैमिली हैज़ द इनकम ऑफ 22,000 पर मंथ एंड देर इज 11 मेंबर्स इन द फैमिली, इट वाज डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन। ये पॉपुलेशन हो गई हमारे घर की, और ये क्या हो गई, इनकम हो गई। अगर मैं इसको कर दूँ तो 2,000 रुपीज़ पर पीपल, ठीक है। तो
तो हम ऐसे इनकम निकालने, इसे हम क्या कहते हैं, एवरेज इनकम। तो एवरेज इनकम क्या हो गई, द टोटल इनकम ऑफ द कंट्री डिवाइडेड बाय इट्स पॉपुलेशन इज कॉल्ड एवरेज इनकम, जिसे हम क्या कहते हैं, पर कैपिटा इनकम। ठीक है, अब देखें यूएस डॉलर 12236 या इससे अब कंट्रीज है जिनके इनकम ये है, वो कौन सी कंट्रीज होती है, रिच कंट्रीज। अब सेकेंड बात हम करें, ये 2016 का क्राइटेरिया है, दैट वॉज द क्राइटेरिया ऑफ 2016। हम आगे बात करते हैं यूएस डॉलर क्या है, 1005। तो हम क्या कह सकते हैं, यूएस डॉलर 1005 या फिर इससे लेस देन है, वो कौन सी है, पुअर कंट्रीज। तो ये सारा 2016 का क्राइटेरिया है। और जो हमारी इंडिया है, इंडिया की क्या है, 1880 पर एनम। ठीक है, अब जो हमारी कंट्रीज है, जो मिडल ईस्ट है और कुछ और कंट्रीज है, ये जनरली क्या है, डेवलप्ड कंट्रीज। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होती है, डेवलपमेंट जिसे हम डिफाइन कर सकते हैं टू मीट द नीड ऑफ द प्रेजेंट पॉपुलेशन। ठीक है, देखो हमारे कंट्रीज में जो प्रेजेंट पॉपुलेशन है, उस वो हमारे जो कंट्री के जो रॉ मटेरियल्स है, जो चीज़ें हम उनको यूज़ कर रहे हैं, लेकिन हम वो फ्यूचर जनरेशन के नीड्स के बारे में नहीं सोच रहे। देखो दैट तो हम क्या कह सकते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट वो डेवलपमेंट होती है दैट द प्रेजेंट पॉपुलेशन, द नीड ऑफ द प्रेजेंट पॉपुलेशन विदाउट, क्या हो गया, विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड्स। कि प्रेजेंट जनरेशन है वो यूज़ तो कर रही है इनकम को, सारे रिसोर्सेज को, लेकिन वो आने वाली जो हमारी जो पीढ़ी है उसके बारे में नहीं सोच रही। इसको हम कहते हैं सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट। सो थैंक यू फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही।